नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस से एक और नई वीडियो में। और आज हम चला रहे हैं Hyundai की फ्लैगशिप SUV। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे हैं, आज हम ड्राइव कर रहे हैं Hyundai Tucson 2021। जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट ईयर लॉकडाउन के टाइम अपडेट करी गई थी BS6 इंजन के साथ, और करेंटली जो हम चला रहे हैं वो है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल को चलाने का मेन रीज़न भी आपको बता देता हूँ। एक तो आजकल मार्केट डीजल से पेट्रोल की तरफ ज़्यादा स्विच हो रही है, और दूसरा रीज़न था कि मेरा एक फ्रेंड इस गाड़ी को प्लान कर रहा है और वो पेट्रोल इंजन का ड्राइव रिव्यू सर्च कर रहा था ऑन यूट्यूब एंड ही कुडंट फाइंड वन। तो हमने सोचा चलिए हम बना देते हैं। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की। तो सबसे पहले तो बात करता हूँ अर्गोनॉमिक्स की, ऊपर से शुरू करता हूँ। IRVM ऑटो डिमिंग दिया गया है, आप टच स्क्रीन सिस्टम देख पा रहे हैं, उसमें वॉल्यूम वगैरह के लिए नॉब्स दे दी गई हैं जो ज़्यादातर गाड़ियों में शिकायत रहती है। क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, गियर नॉब, उसके अलावा नीचे ड्राइविंग मोड्स, आर्मरेस्ट, स्टेयरिंग, सारी चीज़ें फुली कंट्रोल में रहती हैं और अर्गोनॉमिकली कोई इशू है नहीं। अब बात कर लेते हैं ड्राइवर्स कंफर्ट की। तो सबसे पहले तो इसमें आ जाती है विजिबिलिटी। तो दोस्तों इसमें आपको बता दूं, इसके डिज़ाइनिंग के कारण आपको बोनट फुल्ली विजिबल नहीं होता है, तो ये एक कौन बन जाता है। बट इसे कवर करने के लिए आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, और उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता है। ए पिलर्स ठीक ठाक साइज़ के रखे गए हैं और साइड मिरर्स का साइज़ भी ओके है, तो विजिबिलिटी में भी कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं आ रहा है। उसके अलावा अगर कंफर्ट की बात करूं तो सीट्स की बोलस्टरिंग और आप कह सकते हैं कुशनिंग भी काफ़ी सही रखी गई है, और आप जानते ही हैं सनरूफ और कुछ फीचर्स जो Hyundai अपनी सभी गाड़ियों में देती है इसमें भी कैरी ऑन करे गए हैं। बट काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं इस गाड़ी में जो इसे Hyundai की पूरी लाइनअप से अलग बनाती हैं, उसकी भी बात करेंगे आगे वीडियो में। अभी आप देख रहे हैं हल्का सा स्पीड में मैं यहाँ पर टर्न ले रहा हूँ, और काफ़ी इजीली मेरे को गाड़ी ने असिस्ट कर दिया है। ये गाड़ी को काफ़ी लोग क्रेटा से कंपेयर करते हैं, तो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए क्रेटा यहाँ से पास ऑन हुई और अब पीछे से आ रही है हमारी Hyundai Tucson। तो यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ें ये हैं कि दोनों के डिज़ाइन में, साइज़ में, प्राइस में और इवन फीचर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन रखा गया है। अगर मेजर बात करें तो Tucson में आपको बड़े इंजन देखने को मिलते हैं, फोर व्हील ड्राइव देखने को मिल जाता है, उसके अलावा ड्राइविंग मोड्स और कुछ और फीचर्स तो क्रेटा से काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, चाहे बात करें सनरूफ की या किसी और चीज़ की। बट मेजर डिफ्रेंशिएशन आपको एक तो ये पॉइंट हो गया इंजन्स का, ट्रांसमिशंस का, उसके अलावा अगर बताऊं तो बिल्ड क्वालिटी में भी दोनों गाड़ियों में काफ़ी फ़र्क है। ये गाड़ी आपको काफ़ी हद तक जर्मन्स की तरह फील होगी, जबकि Hyundai एक कोरियन ब्रांड है, और इस गाड़ी में आपको एक बेटर सेफ्टी मिलेगी। उसके अलावा अगर बात करें NVH लेवल्स की, तो दोस्तों एकदम साइलेंट गाड़ी है और कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको अंदर पता नहीं चलती है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो अभी जो मैं चला रहा हूँ वो है 2 लीटर पेट्रोल इंजन जो BS6 अपडेट किया गया है रिसेंटली, और इस अपडेट के बाद इस गाड़ी की पावर है 152 PS की। एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा आपको इस गाड़ी के बारे में, इसका साइज़ वाकई काफ़ी बड़ा है अगर हम कंपेयर करें क्रेटा वगैरह से या फिर वेन्यू से या आपकी इवन Hyundai कोना से। बट आप देख पा रहे हैं इस टाइम मैं गाड़ी को हल्के से ट्रैफिक में रन कर रहा हूँ और मेरे को किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इवन अगर आपको इसका 0 to 100 या फिर 100 to 0 ब्रेकिंग वगैरह की बात करूँ तो 4 डिस्क के साथ काफ़ी अच्छा सेटअप रखा गया है। चलिए आपको एक बार दिखाई देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाड़ी को मैंने 0 to 100 पर लिया है, और आप देख सकते हैं गियर शिफ्ट आपका कहाँ जाके हो रहा है, लगभग 4,500 RPM के आसपास गियर शिफ्ट हो जाता है, और 13 से 13.5 सेकेंड में हमारी गाड़ी 100 पे पहुँच चुकी है। अब बात करें अगर ब्रेकिंग की, तो यहाँ आप देख सकते हैं 100 to 0 आने में गाड़ी को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और गाड़ी अपनी लाइंस में बिल्कुल सही तरह से बनी हुई थी, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात बन जाती है क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आगे बात करें इसके ट्रांसमिशन की, तो ये जो मैं चला रहा हूँ ये है 6-speed ऑटोमेटिक और डीजल में आता है 8-speed ऑटोमेटिक। दोनों ही टॉक कन्वर्टर टेक्नोलॉजी हैं और गियर शिफ्ट्स बिल्कुल भी पता नहीं चलते हैं और गाड़ी स्मूथ अपनी लाइन में बनी रहती है। हालांकि कॉन्फिडेंस आपको इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है वाइल ड्राइविंग, और सेफ्टी में भी काफ़ी सारे फीचर्स इसमें प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि आपका हिल होल्ड असिस्ट हो गया, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट हो गया, और एयरबैग्स ABS EBD तो सभी गाड़ियों में रहता ही है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके सस्पेंशन की, क्योंकि किसी भी गाड़ी के कम्फर्ट में एक बहुत बड़ा हाथ रहता है सस्पेंशन का। तो आपको बता दूँ इसमें काफ़ी अच्छे सस्पेंशन रखे गए हैं आगे और पीछे दोनों ही जगह, और काफ़ी कम्फर्ट की तरफ ट्यून्ड है गाड़ी। सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप मिलेगा आपको, स्टिफनेस बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली, और वाइडर टायर्स और बड़े साइज़ के टायर्स होने की वजह से
काफ़ी सारे झटके तो आपको अंदर फील ही नहीं होते हैं। टायर साइज़ का जिक्र किया तो 225 वाइड टायर्स मिलेंगे और 18 इंच का इसका व्हील साइज़ देखने को मिलता है। जैसा कि आपने देखा अभी एक काइंड ऑफ स्पीड ब्रेकर आया था और गाड़ी में काफ़ी कम असर देखने को मिला। अब आपको एक बार बाहर से भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं डुअल स्पीड ब्रेकर्स को इस बार गाड़ी पास करेगी और काफ़ी इजीली गाड़ी इनसे निकल जाती है। आपको एक बार थोड़ा स्लो मोशन में भी दिखा देते हैं कि सस्पेंशन का ट्रैवल कितना सही है और ये अलॉय व्हील्स गाड़ी पे मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे। आप अपने थॉट्स बताएं कमेंट सेक्शन में। यहाँ आप देख सकते हैं हल्का सा रफ रोड पैच मुझे देखने को मिला था और आप गाड़ी की मूवमेंट से खुद समझ सकते हैं कि ओवरऑल कैसा रिस्पॉन्स आपको सस्पेंशन का देखने को मिलेगा। आप चाहें तो निम्बस ह्युंडई नोएडा पे इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। चलिए अब वापस से बैठ जाते हैं ड्राइवर सीट पे और बात कर लेते हैं इसके स्टेयरिंग की। तो दोस्तों ये एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जो ह्युंडई की काफ़ी गाड़ियों में लाइट देखने को मिलता है, बट इस गाड़ी के साथ ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, स्टेयरिंग में एक प्रॉपर वेट रहता है और काफ़ी मैच्योर्ड फीलिंग रहती है इसके स्टेयरिंग को होल्ड करने के बाद। यहीं अगर मैं बात करूँ अपने अगले पॉइंट की, तो दोस्तों SUV इसका एक मेजर पॉइंट रहता है जो कि है ग्राउंड क्लियरेंस। और दोस्तों इस गाड़ी के साथ आपको ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम देखने को मिलेगी, बट हाँ कंफर्ट के मामले में आप इसे एज एन SUV चुन सकते हैं। अब अगर बात करूँ इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स की, तो दोस्तों जिस प्राइस सेगमेंट में ये आती है 22 से 25 लाख रुपए के करीब इसका एक शोरूम प्राइस है। और इस प्राइस सेगमेंट में आप SUVs जो चुन सकते हैं मार्केट में वो है वॉक्सवैगन की T-Roc, स्कॉडा की कैरॉक, उसके अलावा जीप की कंपस भी आपके बजट में आ जाती है, प्लस हैरियर हेक्टर। हालांकि इससे कंपेयर नहीं करी जा सकती, बट उन्हें भी आप चुन सकते हैं। तो अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो दोस्तों पेट्रोल इंजन वाकई काबिल तारीफ़ है और आपको इसे एक बार कंसिडर करके ज़रूर देखना चाहिए। चलिए एक और बार आपको बाहर से प्रेजेंस दिखा देते हैं गाड़ी की। तो रोड प्रेजेंस की बात करें तो इस गाड़ी को लेके आपको एक यूनिक फीलिंग ज़रूर आने वाली है, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक दिखती है, प्लस इसकी लुक्स मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगी और काफ़ी प्रोपोर्शनेट लगती है। अब बात कर लेता हूँ मैं आपसे बॉडी रोल की। जी हाँ दोस्तों, SUVs में ये चीज़ काफ़ी एविडेंट रहती है और बाय चांस मेरे को एक कर्वी पैच देखने को मिल गया। आपको भी दिखा देता हूँ और इसे कवर करने के बाद अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करता हूँ आपके साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी कर्वी स्ट्रेच है और मैं गाड़ी को अच्छी स्पीड मेंटेन करके यहाँ कर्व पे लाया हूँ और मुझे पर्सनली बॉडी रोल ज़रूर फील हुआ है यहाँ पे। बट बॉडी रोल काफ़ी कंट्रोल्ड है और इतनी इजीली आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगी। प्लस अगर बात करूँ तो ये देख सकते हैं आप हेडलाइट्स का रिस्पॉन्स। मुझे पर्सनली इसकी क्वाड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स काफ़ी पसंद आए और लुक्स के मामले में प्रोजेक्टर चार चांद लगा देते हैं इस गाड़ी की लुक्स में। अब फाइनली अपने वर्डिक्ट की बात करूँ तो उससे पहले आपको बता दूँ कि यही सेम इंजन आने वाली अल्काज़ार में भी यूज़ किया जाएगा, तो आप चाहें तो उसके टर्म्स में भी इसे कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि जब भी वो गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी तो उसका भी ड्राइव रिव्यू आपको कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी देने का। अब अगर मैं बात करूँ वर्डिक्ट की, तो दोस्तों वर्डिक्ट से पहले आपको बता देता हूँ इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों इस गाड़ी काफ़ी हद तक स्टेबल रहती है और कोई दिक्कत परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। इसका मेजर रीज़न है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्राउंड क्लियरेंस। जी हाँ दोस्तों, बाकी SUVs से ये थोड़ी लो है, बॉडी रोल कंट्रोल्ड है और इसी वजह से स्टेबिलिटी आपको इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो ये तो एक हो गया प्लस पॉइंट इस गाड़ी के बारे में। बट दोस्तों अगर बात करूँ तो हल्के फुल्के जो नेगेटिव्स इसमें देखने को मिले, इसका म्यूज़िक सिस्टम आप देख सकते हैं, इससे कंपेयर करें तो क्रेटा में आपको कम प्राइस में बेटर म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा। उसके अलावा इसका स्पीडोमीटर जो एनालॉग देखने को मिल रहा है, बट क्रेटा में आपको डिजिटल देखने को मिल जाता है। उसके अलावा कोई ऐसी बड़ी कमी देखने को नहीं मिली है। हाँ एक और चीज़, अगर वेंटिलेटेड सीट्स इस प्राइस में प्रोवाइड कराई जाती तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि Hyundai अब काफ़ी गाड़ियों में उस फीचर को दे चुका है। तो ये तो इनका प्रीमियम प्रोडक्ट है और यहाँ पे भी ये चीज़ ज़रूर दी जानी चाहिए थी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्दी।